एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो हमारे प्रीवियस पार्ट्स में हमने नेट प्रिपरेशन के दो पार्ट में हमने डिस्कस किया है सिलेबस और इंट्रोडक्शन और पैटर्न के बारे में। तो आज हम पेपर फर्स्ट के लिए फर्स्ट सेक्शन कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का। टीचिंग एप्टीट्यूड का आपके पास क्या है कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, सबसे पहला आपके पास टॉपिक है। इट इज़ रियलाइज ऑन ऑल हैंड्स दैट एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर बट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन ऑल स्फीयर सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल एंड वोकेशनल। मतलब हमने ये रियलाइज़ किया है कि जो एजुकेशन है वो सिर्फ हमारे पास प्रिजर्वेशन और ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर के लिए ही नहीं, मतलब हमारी संस्कृति के लिए और जो ट्रांसमिशन का हमारा कल्चर है सांस्कृतिक के लिए ही नहीं हमारे पास इम्पोर्टेंट, बल्कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है हमारे सामाजिक आर्थिक सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड वोकेशनल, यानी कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और वोकेशनल व्यवसायिक। वोकेशनल मतलब आपके पास होता है व्यवसायिक इसके लिए। बट एट प्रेजेंट मोमेंट, लेकिन जो आज का टाइम है, आज के टाइम में जो प्रिपरेशन फॉर वोकेशन, जो आपकी व्यवसाय की जो तैयारी चल रही है उसके लिए जो पीपल स्टेप्स उठाते हैं वो किस पे, मैनी एज द फंडामेंटल एम ऑफ एजुकेशन, यानी कि वो किसके, आपके पास मूल उद्देश्य किसके हैं, एजुकेशन के हैं। अर्निंग ऑफ लाइवलीहुड हैज बिकम कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन एजुकेशन। जो आपका जीने का अर्निंग सोर्स है, यानी कि आपके पास जो अर्निंग सोर्स है जीने के लिए, वो आपका कंप्लीटली डिपेंड है एजुकेशन पे। देयरफॉर एजुकेशन इज अ कॉम्प्लेक्स सोशल कल्चर एंड एथिकल प्रोसेस डिजाइंड इन द सोशल एंड कल्चर कॉन्टेक्स्ट। जो एजुकेशन है आपकी वो क्या है, कॉम्प्लेक्स सोशल, यानी कि एक सामाजिक कल्चरल एंड जो सांस्कृतिक और आपके पास सांस्कृतिक जो आपके पास कॉन्टेक्स्ट हैं उनके द्वारा बनाई गई एक एथिकल यानी कि नैतिक प्रोसेस है, नैतिक प्रक्रिया है। इट इज वेरी मच रिलेटेड विथ सोशल स्ट्रक्चर। ये क्या है, बहुत ज्यादा रिलेटेड है आपके सोशल सामाजिक स्ट्रक्चर जो है आपका, कल्चरल एनवायरमेंट जो सांस्कृतिक हमारा आसपास का वातावरण है, पर्यावरण है। वैल्यू एंड आइडियाज ऑफ पीपल, जो पीपल्स के वैल्यूज और आइडियाज है, सोसाइटी समाज है हमारा, एंड द दिस बीइंग डायनामिक फैक्टर बिकॉज ऑफ विच द डेफिनेशन ऑफ टीचिंग हैज बीन चेंजिंग अलोंग विद टाइम प्लेस एंड सोसाइटी। ये क्या है, आपके पास डायनामिक फैक्टर हैं जिनकी वजह से जो आपकी डेफिनेशन है टीचिंग की वो चेंज हो चुकी है टाइम के साथ, जगह के साथ और समाज के साथ। इन ब्रीफ अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ टीचिंग शुड, जो आपकी प्रॉपर डेफिनेशन है टीचिंग की वो क्या होनी चाहिए, आपके पास आइडेंटिफाई वेदर टीचिंग इज अ प्रोसेस और प्रोडक्ट। ये पहचानो, ये आइडेंटिफाई करो कि जो टीचिंग है वो एक प्रोसेस है या प्रोडक्ट है आपके पास। क्लियरली इंडिकेट इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर है उनको क्लियरली इंडिकेट करो। रिवील ऑब्जेक्ट, उद्देश्य पहचानो। से समथिंग अबाउट इट्स ऑर्गेनाइजेशनल एंड स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, जो आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल और स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है वो उनके बारे में आपको कुछ, उनके बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी कि जो आपके संगठनात्मक और जो स्ट्रक्चरल पहलू है, स्ट्रक्चरल पहलू मतलब कि आपके पास संरचनात्मक, यानी कि जिसकी आप संरचना कर सको, और संगठनात्मक आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल एंड स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, यानी कि कुछ पहलू जिनके बारे में आप कुछ कह सकते हो। तो आपके पास कंसेप्ट ऑफ टीचिंग में कुछ डेफिनेशंस दी हैं। डेफिनेशंस में आपके पास क्या है, नेक्स्ट मॉरिसन ने क्या बोला है कि टीचिंग इज अ डिसिप्लिन सोशल प्रोसेस इन विच टीचर इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ लेस एक्सपीरियंस्ड पीपल एंड हेल्प्स हिम डेवलप अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड द आइडियाज ऑफ सोसाइटी। दस टीचिंग इज रिड्यूस टू व्हाट टीचर टीच। मतलब क्या है कि मॉरिसन ने क्या बोला है कि टीचिंग क्या है, एक ऐसी सोशल प्रोसेस है जिससे क्या होता है कि एक टीचर इन्फ्लुएंस करता है ऐसे लोगों को जो उनसे कम जानते हैं। मतलब क्या है कि देखो, एक टीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक टीचर ये इन्फ्लुएंस करता है कि जो लोग, ऐसे लोग जो उनसे कम जानते हैं, लेस एक्सपीरियंस जाए, और उन लोगों को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है कि वे सोसाइटी की कैसे हेल्प कर रहे हैं। जबकि मॉरिसन के अकॉर्डिंग ये है कि टीचिंग सिर्फ उतनी ही होती है, यानी कि टीचिंग आपके पास सिर्फ उतनी ही है कि टीचिंग आपके पास सिर्फ उतनी ही है जितना टीचर समझाता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हम प्रैक्टिकल लाइफ से भी बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे पास टीचिंग सिर्फ उतनी ही नहीं होती जितना आपको टीचर सिखा रहा है। दस टीचिंग इज रिड्यूस टू व्हाट द टीचर टीच, जो टीचर आपको समझा रहा है सिर्फ वहीं तक टीचिंग नहीं है, वो भी टीचिंग है जो आप बाहर से देख के सुन के समझते हो प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में। सो ऐसे स्मिथ ने आपको एक डेफिनेशन दी। स्मिथ ने बोला कि स्मिथ स्टेट्स दैट टीचिंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटी एम टू हेल्प द लर्नर लर्न समथिंग। टीचिंग मे बी कैरिड आउट इन द एब्सेंस ऑफ टीचर। मतलब क्या है कि आपके पास जो स्मिथ बोल रहा है कि टीचिंग क्या है, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है और स्पेसिफिक एक्टिविटी है जिसका एम क्या है, हेल्प करना लर्न की, ताकि आपके पास जो लर्नर है वो कुछ सीख सके आपसे, हेल्प करना उसमें उसकी। टीचिंग मे बी कैरिड आउट इन द एब्सेंस ऑफ टीचर, जो टीचिंग आपकी कब होती है, कब क्या होता है कि आप बिना टीचर के भी बहुत कुछ सीख सकते हो। टीचिंग आपकी तब तक भी चलती रहती है जब आपके पास टीचर नहीं होता, यानी कि आप क्या कुछ देख के भी सीख सकते हो। सो स्मिथ ने ये वाली डेफिनेशन दिया है।
कि टीचिंग एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, स्पेसिफिक एक्टिविटी है जिसका एम क्या होता है कि जो लर्नर है उसको पढ़ने और सीखने में कि कैसे वो पढ़ सकता है, कैसे वो सीख सकता है, सिर्फ एक टीचर से ही सीख सकता है, वो आसपास देख के भी सीख सकता है। तो ये थी आपकी डेफिनेशन। और बाकी आपके पास क्या दिया, उन्होंने ही कंसिडर टीचिंग एज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, मतलब उसने क्या किया जो कंसिडर किया टीचिंग को स्मिथ ने एज अ ट्राइपोलर प्रोसेस उन्होंने किया, तो वो देखो क्या है, एजेंट और सोर्स प्रोड्यूसिंग लर्निंग विच में बी ह्यूमन मटेरियल। मतलब क्या है कि जो आपके पास क्या है प्रोड्यूस करना लर्निंग मटेरियल, जो एजेंट है सोर्स है आपके पास ह्यूमन के लिए, ठीक है। गोल और टारगेट, आपके पास क्या आप एक गोल लेके चलते हो कि मुझे ये चीज अचीव करनी है, मुझे अगर आपके पास एक बच्चे को आप पढ़ा रहे हो तो उसके पास ये है कि इस बच्चे को इतना आज सिखाना ही सिखाना है, आपको एक गोल एक टारगेट लेके चलो आप। द इंटरव्यूइंग वेरिएबल कंस्टिट्यूट ऑफ लर्निंग और टीचिंग सिचुएशन इन्वॉल्विंग ह्यूमन और फिजिकल कंडीशन एंड इंस्ट्रक्शन मैथड, मतलब आपके पास जो इंटरव्यूइंग वेरिएबल्स हैं जिसमें आपके पास क्या आते हैं लर्निंग आती है, टीचिंग सिचुएशन आती है जिसमें आपके पास ह्यूमन और फिजिकल कंडीशन दोनों होती है, एंड इंस्ट्रक्शन मैथड होते हैं, यानी कि आपके पास क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन देते हो आप, ठीक है। ऐसे ही आपके पास एक गेज ने डिफाइन किया कि टीचिंग एज अ पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड टॉट कॉजिंग बिहेवियर मॉडिफिकेशन, मतलब क्या है कि गेज के अकॉर्डिंग जो टीचिंग है वो एक पर्सनल रिलेशनशिप है किसके बीच में, टीचर और जो पढ़ा रहा है और जो पढ़ रहा है उसके बीच में क्या बिहेवियर मॉडिफिकेशन का बिहेवियर गेज करता है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास बहुत सारी डेफिनेशंस दी थी, आपको रीड कर सकते हो क्योंकि इतना कुछ खास इसमें है नहीं है। सो आपके पास क्योंकि इसमें क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस टाइप के आएंगे, इसमें डिटेल में कुछ भी नहीं आएगा, सो जस्ट सेल्फ फ्रेमिंग आप जस्ट रीड आउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक क्या है, नेचर ऑफ टीचिंग, कि जो नेचर होती है कि कैसे आप टीचिंग कर सकते हो, ठीक है। सो आपके पास क्या है इसमें, आपके पास नेचर ऑफ टीचिंग में आपके पास क्या होता है कि ये क्या होता है इंटरेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, जिसमें आपके पास मोस्टली क्या होता है कि सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपके पास क्या होता है टीचिंग होता है। तो वो नेचर में आपके पास टीचिंग क्या है, आपके पास डायनामिक है, सोशल है, ह्यूमन है, बिपार्ट में आपके पास बहुत आर्ट एंड साइंस डिवाइड इन एप्लीकेशन। आपके पास क्या होता है कि टीचिंग क्या है, आपके पास डायनेमिक सोशल एंड ह्यूमन भी है, कि मतलब क्या कि टीचिंग एक फंडामेंटल कंसेप्ट नहीं है सिर्फ आपके पास, क्योंकि ये क्या है ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड है एक सोशल और ह्यूमन फैक्टर का, विच आर डायनामिक इन देमसेल्व्स, जो क्या होता है हमारे खुद में डायनामिक होता है। ये जो आपके पास टीचिंग है वो एक आर्ट भी है और एक आपके पास साइंस भी है, यानी कि कला भी है और आपके पास साइंस भी है आपके पास टीचिंग। इट कॉल्स फॉर एक्सरसाइज ऑफ टैलेंट, आप इसको क्या बोल सकते हो टैलेंट के लिए एक्सरसाइज भी बोल सकते हो, एंड क्रिएटिविटी मेकिंग इन आर्ट एंड इन्वॉल्विंग रिपेयर ऑफ टेक्निक्स प्रोसीजर एंड स्किल्स। मतलब इसमें आपके पास क्या है कि टीचर आपके पास टीचिंग आपके पास क्या है आर्ट और कला भी है जिसे आप टैलेंट भी बोल सकते हो, और आप बहुत सारी चीजें क्रिएटिविटी के साथ बना भी सकते हो आर्ट में, लाइक आप अपनी टेक्निक से अपने तरीके से आप किस तरीके से आप समझा सकते हो स्टूडेंट को अपने एग्जाम्पल देके, किस तरीके से आप कैन बी स्टडिंग सिस्टमैटिकली डिस्क्राइब एंड इम्प्रूव मेकिंग इट साइंस, मतलब कि आप किस किस प्रकार से आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो और ज्यादा डिस्क्राइब कर सकते हो। थर्ड आपके पास क्या है डाइवर्स इन एप्लीकेशन, डाइवर्स इन एप्लीकेशन में आपके पास क्या आता है कि इन एप्लीकेशन टीचिंग इज ऑफ डाइवर्स नेचर, टीचिंग आपके पास डाइवर्स नेचर की होती है, इट में हैव वेरियस फॉर्म्स एज फॉर्मल इनफॉर्मल डायरेक्शनल इंस्ट्रक्शनल फॉर्मेशनल ट्रेनिंग कंडीशनिंग एंड इंडॉक्ट्रिनेशंस टॉकिंग शोइंग डूइंग रेमिडियल, मतलब आप किस तरीके से आप इंस्ट्रक्शन देके फॉर्मेशन देके ट्रेनिंग देके किस तरीके से आप डायरेक्शनल इंटरेक्शन फॉर्मल इनफॉर्मल आप किस तरीके से आप पढ़ा सकते हो, इस टाइप के कुछ आपके पास आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टीचिंग, आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है टीचिंग की, अ सिस्टम ऑफ एक्शंस, सिस्टम ऑफ एक्शंस में आप किस तरह का काम करते हो, किस तरह के आप एक्शंस परफॉर्म करते हो, लाइक आपके पास क्या है टीचिंग एक सिस्टम है, एक्शंस वैरिड इन फॉर्म एंड रिलेटेड विद कंटेंट एंड पीपल बिहेवियर अंडर देयर प्रिवेलिंग फिजिकल एंड सोशल कंडीशंस, टीचिंग आपके पास एक सिस्टम है एक्शंस का जो क्या करता है आपको वैरिड इन फॉर्म एंड रिलेटिंग विद कंटेंट एंड पीपल बिहेवियर, जो लोगों के बिहेवियर जो लोगों का बिहेवियर आ रहा है खुद का आपका जो कंटेंट है उससे रिलेटेड आपके पास अंडर द प्रिवेलिंग फिजिकल एंड सोशल कंडीशंस, मतलब किसके अंडर आपके पास फिजिकल और सोशल कंडीशंस हैं जो उसके अंदर। प्रोफेशनल एक्टिविटी, प्रोफेशनल होना चाहिए कभी भी पर्सनल नहीं होना चाहिए, कि आपको हमेशा टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक प्रोफेशनल काम होना चाहिए कभी भी पर्सनल नहीं होना चाहिए। इट इज अ प्रोफेशनल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग टीचर एंड स्टूडेंट विद अ व्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट पर्सनैलिटी, मतलब एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है जिसमें आपके पास टीचर और स्टूडेंट में आपके पास जो रिलेशन होता है वो प्रोफेशनल होना चाहिए पर्सनल होने की बजाय। नेक्स्ट आपके पास क्या है सब्जेक्ट टू एनालिसिस एंड असेसमेंट, आपके पास क्या होता है कि जो आपके पास सब्जेक्ट है आप क्या ले रहे हो एनालिसिस, जो आपके पास ले रहे हो टीचिंग कैन बी एनालिसिस एंड असेस्ड एंड एनालिसिस एंड असेसमेंट प्रोवाइड अ फीडबैक, यानी कि आप कैसा उसको पढ़ा रहे हो उसके बाद आपकी फीडबैक क्या आ रही है कि वो कैसा फीडबैक दे रहा है आपको, अगर वो रिस्पॉन्स अच्छा दे रहा है तो आपकी फीडबैक अच्छी आ रही है कि आप अच्छा पढ़ा रहे हो। एंड इंटरेक्टिव प्रोसेस, ये क्या है इंटरेक्टिव प्रोसेस है जिसमें आपके पास क्या करते हो आप बोल के बताते हो, इंटरेक्टिव मतलब जैसे मैं यहाँ बोल रही हूँ और मेरे सामने बैठे हूँ कुछ स्टूडेंट्स और मैं उनको पढ़ा रही हूँ, मतलब ये क्या है कम्युनिकेशन की स्किल्स है,
स्पेशलाइज टास्क में क्या होता है आपके पास कि एक स्पेशलाइज टास्क होता है मे बी टेकन एज अ सेट ऑफ स्किल्स फॉर रियलाइजेशन ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव. स्पेशलाइज टास्क में आप कैसे ले सकते हो कि मे बी टेकन एज सेट होते हैं स्किल्स का किसके लिए, फॉर रियलाइजेशन ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव, जो आपके ऑब्जेक्टिव है उनको रियलाइज करने के लिए. अ कलेक्शन ऑफ वेरियस मॉड्स, कलेक्शन आपके पास क्या होते हैं वेरियस मॉड की, आपके पास जो टीचिंग है वो कलेक्शन है वेरियस मॉड्स ऑफ इटसेल्फ, लाइक इट्स अ बॉर्डर ऑफ टर्म्स लाइक टर्म आपके पास क्या होते हैं कंडीशनिंग ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन इंडोक्ट्रिनेशन डिनोट अ काइंड ऑफ टीचिंग, किस तरीके से आप पढ़ा रहे हो. दे आर द पार्ट ऑफ टीचिंग बट नॉट ऑन ए सिनोनियम विद टीचिंग, मतलब कि पार्ट है टीचिंग का बट एक क्या है सिनोनिम नहीं है टीचिंग का. ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग. ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग्स में आपके पास क्या होता है, मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग आर फॉलो एज टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंज इन पीपल्स, मतलब क्या है कि आप हम टीचिंग क्यों कर रहे हैं बिकॉज जैसे हम समझना चाहते हैं उसमें जो डिजायर चेंज लाना चाहते हैं वो ला पाए. लाइक आपके पास एक स्टूडेंट स्टडी करने आ रहा है, स्टडी करने के बाद आप उसको अच्छे से पढ़ा रहे हो, उसके बाद वो कितना सीख रहा है, उसको कितना समझ आ रहा है, आप कितना उसको समझा पा रहे हो कंसेप्ट के बारे में. आप ये सोच रहे हो, आप डिजायर चेंज लाना चाहते हो कि वो और भी अच्छा इससे करे, यानी कि वो जितना समझ रहा है आप उसमें उतना डिजायर चेंज लाना चाहते हो समझा के भी कि वो और अच्छा करे या पढ़े या सीखे. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट. टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट में आपके पास क्या होता है कि आप कुछ उसको कुछ मैनर्स सिखाओ, उसका बिहेवियर चेंज करो, उसको कंडक्ट करो कि वो कैसे, अगर वो सही से नहीं बैठा है तो आप उसको बोलो कि प्रॉपरली बैठे वो, यानी कि अगर वो कुछ भी अगर कुछ गलत कर रहा है तो आप उसको सही से टोको कि आप वो उसके बिहेवियर को सही बताओ कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो. तो ये होता है आपके पास टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट. एक्वाइजेशन ऑफ नॉलेज, एक्वाइजेशन ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान को हासिल करना. ठीक है, नॉलेज को एक्वायर करना मतलब कि लेना, ज्ञान हासिल करना. टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट यानी कि टू इम्प्रूव लर्निंग स्किल, आपके पास जो लर्निंग स्किल्स हैं स्टूडेंट्स की उनको इम्प्रूव करना. फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ मीन्स उसे ट्रस्ट हो या कॉन्फिडेंस हो कि वह ये चीज कर सकता है, यानी कोई स्टूडेंट है उसको कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो ये चीज सही कर रहा है या नहीं कर, या उसको ये हो कि मैं ये चीज कर नहीं सकता लेकिन वो नहीं बोले कि नहीं मैं कर सकता हूँ ये चीज, तो वो होता है फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ. टू प्रोवाइड अ सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी टू द सोसाइटी, टू प्रोवाइड अ सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर टू द सोसाइटी क्या करेगी मीन्स क्या है आपके पास कि अगर वो पढ़ेगा और अच्छा, अगर वो पढ़ेगा और अगर सही वो पढ़ पाएगा तभी वो एक अच्छा मेंबर बन पाएगा सोसाइटी का. नेक्स्ट आपके पास क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट. उससे पहले आपके पास क्या है, यहाँ पे कुछ और भी समराइज दे रखे हैं, पर्सनल ट्रांसफरेबल स्किल्स. यहाँ पे आपके पास क्या है कि इसमें आपके पास इंक्लूड इंटरपर्सनल एज वेल एज पर्सनल स्किल. इंटरपर्सनल और पर्सनल स्किल भी इंक्लूड होती है इसमें. इंक्लूड ऑल्सो मोस्ट इंटरप्राइजेस पर्सनल ट्रांसफरेबल स्किल्स आपके पास क्या होती है, जिसमें आपके पास कुछ पर्सनल स्किल्स ऐड कर लो. नेक्स्ट आपके पास कंसेप्चुअल नॉलेज एंड स्किल. कंसेप्चुअल यानी कि कंसेप्ट से रिलेटेड, ऑल्सो नोन एज मैथोलॉजिकल, मतलब क्या है कि इसको मैथोलॉजिकल भी बोलते हैं. लाइक क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि डीप थिंकिंग करना, राइटिंग लिखना, क्रिएटिविटी क्रिएट करना, कुछ हाइपोथेसिस डिजाइन एंड टेस्टिंग एटसेट्रा, इस टाइप के कुछ आपके पास आते हैं मैथोलॉजिकल. डिसिप्लिन रिलेटेड नॉलेज एंड स्किल. डिसिप्लिन बनाना यानी कि सब्जेक्ट की नॉलेज होना, अंडरस्टैंड करना सब्जेक्ट को स्पेसिफिक स्किल, लाइक इन आप लैब में कर सकते हो प्रैक्टिकली. एटीट्यूडनल वैल्यूज, मोटिवेशन एंड एटीट्यूड यानी कि वैल्यूज क्या होती है, मोटिवेशन करना, मोटिवेशन की चीज की वैल्यू क्या है कि मोटिवेशन आप कर सकते हो कि वो कर सकते हैं ये चीज. एटीट्यूड कुछ ना कुछ उसमें एटीट्यूड होना चाहिए. देयर शुड बी एन एप्रोप्रिएट बैलेंस बिटवीन द एफर्ट डिवोटेड टू ईच ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट आपके पास क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग. बेसिक रिक्वायरमेंट में आपके पास क्या होता है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एंड इंटरव्यूइंग वेरिएबल. डिपेंडेंट में आपके पास क्या होता है कि जो एक स्टूडेंट होता है वो आपके आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड होता है. आप सिर्फ एक टीचर के ऊपर ही नहीं, वो हर एक मटेरियल यानी कि स्टूडेंट क्या होता है कि अगर मान लो कि एक प्लस टू या टेंथ क्लास का स्टूडेंट है, वो सिर्फ आपने जो उसको मटेरियल दे दिया वो उसी पे डिपेंड है, वो नोट्स पे डिपेंड है, टीचर कैसे पढ़ा रहा है उस पे डिपेंड है, मतलब कुछ वो सेल्फ नहीं कर रहा, वो होता है आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल लाइक टीचर. टीचर के पास कुछ भी आपके पास कुछ भी नहीं, टीचर है लाइक मैं हूँ, मेरे पास कोई भी मटेरियल नहीं है, मैं किसी चीज पे डिपेंड नहीं हूँ, मैं अपने तरीके से, मैं जिस तरीके से मैं पढ़ाना चाहती हूँ फ्रीली, जैसे मैं देना चाहती हूँ मतलब पढ़ाना चाहती हूँ, मैं उस तरीके से पढ़ा रही हूँ अपने तरीके से. लाइक मेरे को बहुत ये है कि जो एक्चुअल में बुक में चल रहा है, जो एक्चुअल में बुक में आप लगा लो एक मैथमेटिकल सम है, वो एक बहुत ही हार्ड तरीके से सॉल्व किया और मैं उसको बहुत ईजी तरीके से बच्चों को समझाऊं, तो वो क्या है इंडिपेंडेंट. नहीं कि टीचर इंडिपेंडेंट होता है, वो खुद का मटेरियल खुद बनाता है. इंटरव्यूइंग वेरिएबल आपके पास क्या होता है, जिसमें आपके पास इंट्रैक्शन होती है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में. देयर इज अ नीड ऑफ डिजायरेबल इंट्रैक्शन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. ये इसमें आपके पास क्या होता है, किसकी डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव की आपके पास नीड होती है. मतलब क्या होता है कि टीचर भी क्या होता है कि इसमें आपके पास एक कि
वो डिपेंड भी करता है और नहीं भी करता, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है आपके पास। द रोल इज प्लेड बाय द इंटरविंग वेरिएबल, यानी कि फिर वो रोल प्ले करता है जो इंटरविंग वेरिएबल होता है। इस कंटेंट में टीचिंग मेथड, टेक्निक्स, टैक्टिक्स, स्ट्रेटेजी, यानी कि आप इसमें क्या किस तरह की टेक्निक यूज कर रहे हो, किस तरह का मेथड यूज कर रहे हो, डिजायरेबल ऑब्जेक्ट की नीड होती है इसमें आपको। नेक्स्ट आपके पास क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है टीचिंग की, ऑल द थ्री वेरिएबल ऑफ टीचिंग, आपके पास वेरिएबल के तीन, जो टीचिंग के आपके पास तीनों वेरिएबल्स होने चाहिए, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और इंटरव्यूइंग। मतलब क्या है कि आपके पास स्टूडेंट भी होना चाहिए, टीचर भी होना चाहिए और उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन भी होनी चाहिए कि किस मेथड से वो समझा रहा है, क्या उसको डिजायरेबल ऑब्जेक्ट की नीड है, समथिंग। प्रोफेशनलिज्म, कभी टीचर को पर्सनली होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म में पढ़ाना चाहिए। सुटेबल इन्वायरमेंट, सुटेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए, लाइक आपके पास प्रॉपर इन्वायरमेंट होगा, प्रॉपर आपके पास सारी चीजें होंगी तो आप पढ़ा सकते हो, लाइक आपके पास प्रॉपर बोर्ड हो, प्रॉपर क्लास हो, प्रॉपर इन्वायरमेंट हो, सिटिंग प्रॉपर टाइम हो, सब कुछ आपके पास हो तो प्रॉपर सुटेबल इन्वायरमेंट होगा तभी आप पढ़ा सकते हो। टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप, यानी कि टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप भी अच्छा होना चाहिए, कि ऐसा होना चाहिए कि टीचर, अगर स्टूडेंट कॉपरेट ही नहीं कर रहा, स्टूडेंट बोल रहा है कि मुझे तो इस टीचर की समझ आती ही नहीं है, तो वो कुछ समझ ही नहीं सकता। अगर वो कॉपरेट करेगा तभी वो समझेगा, और ऐसे ही अगर एक टीचर क्या बोल दे कि ये स्टूडेंट तो समझ सकता ही नहीं है, नहीं, अगर वो समझना चाहे तो वो समझ सकता है। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप, स्टूडेंट डिसिप्लिन, यानी कि स्टूडेंट का डिसिप्लिन होना जरूरी है, कंट्रोल होना जरूरी है। टीचर डिवोशन टू टीचिंग एंड ऑल्सो ऑन अदर हैंड स्टूडेंट डिवोशन टू लर्निंग, यानी कि टीचर भी हार्डवर्क करे समझाने के लिए, स्टूडेंट भी हार्डवर्क करे समझने के लिए आपके पास, यानी कि टीचर का भी उतना ही डिवोशन हो, यानी कि उतनी ही वो भी हार्डवर्क करे और दूसरी साइड स्टूडेंट भी सीखने के लिए उतना ही हार्डवर्क करे। तो ये थी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट टीचिंग की। नेक्स्ट आपके पास क्या है, टीचिंग एज अ प्रोफेशन। टीचिंग एज अ प्रोफेशन क्या है आपके पास, प्रोफेशनलिज्म इज अ कॉम्प्लेक्स एंड इल्यूसिवल कॉन्सेप्ट, इट इज अ डायनेमिक एंड फ्लड। The certified teacher is essential element in delivery of instruction to student regardless the mode of instruction. A teacher has a professional knowledge and skills gained through formal preparation and experience. कि जो professionalism है वो आपके पास एक complex और elusive concept है। मतलब क्या है कि आपके पास elusive, मतलब आपके पास होता है मायावी concept है आपके पास ये, और complex यानी कि कुछ tough सा है आपके पास एक concept। It is dynamic and flood. यह है क्या है कि आपके पास डायनामिक और फ्लड भी है। द सर्टिफाइड टीचर इज द असेंशियल एलिमेंट इन द डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शन टू स्टूडेंट। जो सर्टिफाइड टीचर आपके पास होता है वो क्या होता है, एक असेंशियल एलिमेंट है जो क्या करता है, स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन डिलीवर करता है रिगार्डलेस ऑफ द मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब क्या है कि आपके पास वो क्या करता है, भले ही वो निर्देश के तरीके, मतलब कि वो कुछ भी प्रभाव करे बिना, वो क्या करता है, स्टूडेंट्स को अपने इंस्ट्रक्शंस डिलीवर करता है। टीचर हैज प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल गेन थ्रू फॉर्मल प्रिपरेशन एक्सपीरियंस। जो टीचर के पास जो प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल्स आती हैं वो कहाँ से आती हैं, फॉर्मल प्रिपरेशन और उनके एक्सपीरियंस के साथ, जो उनके पास अपना ज्ञान होता है, जो मतलब एक्सपीरियंस बन जाता है उनके पास। टीचर प्रोवाइड पर्सनल केयरिंग सर्विस टू स्टूडेंट बाय डायग्नोजिंग देयर नीड्स एंड बाय प्लानिंग, सेलेक्टिंग एंड यूजिंग मेथड एंड इवेल्युएशन प्रोसीजर डिजाइन टू प्रमोट लर्निंग। मतलब क्या है कि टीचर क्या करता है, प्रोवाइड करता है आपको पर्सनल, यानी कि आपके पास क्या होता है इसमें कि जो टीचर्स होता है वो अपनी जो नीड्स होती हैं उनको उनके लिए वो क्या करता है कि सिखाने के लिए, स्टूडेंट को सिखाने के लिए अपनी तरह से डिजाइन किए गए अपने प्लान्स को, प्लान्स जो होते हैं अपने सिखाने के तरीके को, अपने मेथड्स यूज करके वो क्या करता है कि स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश करता है। जो मतलब स्टूडेंट्स उसे सीखना चाहते हैं, जो स्टूडेंट सीखना चाहते हैं उनको सिखाने की कोशिश करता है। और अगर आपके पास जो द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग एंड अडहेरिंग टू लीगल एंड लीगलिस्टिक फ्रेमवर्क्स एंड पॉलिसीज, आइडेंटिफाइंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू स्टूडेंट लर्निंग नीड्स। मतलब क्या है इसका कि जो टीचिंग की एक प्रोसेस है उसमें जो लीगल और लीगलिस्टिक फ्रेमवर्क्स को समझ के जो स्टूडेंट्स की जो जरूरतें हैं कि वो क्या समझ कैसे समझेंगे किस तरीके से, उनको पहचानना और उनको आंसर करना कि वो कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं आपके पास, जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो आप बोल के बता रहे हो, यानी कि आपका कम्युनिकेशन वो कैसा है आपका, कम्युनिकेटिंग स्टूडेंट लर्निंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ सेफ, यानी कि जो उनको मिल रहा है वो किस तरीके से आप वो समझ पा रहे हैं, और जो आपका जो है कि स्टूडेंट्स के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट होना, सेफ यानी कि वो अच्छे से समझ पाए, एक रिलेशनशिप होना प्रॉपर, उनको एक रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, यानी कि और आपके पास जो होता है कि जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड आपके पास जो होता है उसको बनाए रखना, प्रोफेशनल प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। दिस प्रोसेस मस्ट बी फ्री ऑफ डिस्क्रिमिनेट पार्टिकल एंड शुड बी कॉन्ट्रीब्यूट टू द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट हु आर एक्टिवली एंगेज, रिस्पॉन्सिबल एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। मतलब क्या होता है कि जो ये आपके पास प्रोसेस होती है उनमें आप विदाउट पार्शियलिटी
विदाउट पार्शियलिटी आपको स्टूडेंट्स को समझाना चाहिए. लाइक स्टूडेंट्स में आप पार्शियलिटी नहीं करोगे, अगर आप पार्शियलिटी नहीं करोगे तो आप प्रॉपर उन्हें समझा पाओगे. मतलब अगर वो आप उसे क्या है कि आप पार्शियलिटी कर रहे हो तो उसके जिम्मेदार आप हैं. और आप क्या कर रहे हो प्रॉपर, आप जब स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ आपके पास जो होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रही है स्टूडेंट्स के लिए, वो किसकी वजह से हो रही है? वो आपकी वजह से हो रही है. वो जो आप उनको समझा रहे हो, जो आप उनको बता रहे हो, उसकी वजह से हो रही है. नेक्स्ट आपके पास क्या है था, एम ऑफ टीचिंग. एम ऑफ टीचिंग आपके पास क्या है, देयर आर वेरियस मोड ऑफ टीचिंग. बहुत सारे मोड्स हैं टीचिंग के. दिस इंक्लूड्स कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. तो ये सब आपके पास एम ऑफ टीचिंग्स होते हैं. ये चीज आप दोबारा खुद से भी पढ़ सकते हो, बिकॉज ये चीज मैं आपको पीछे पहले बता चुकी हूँ. इसमें वही सब कुछ है एम ऑफ टीचिंग में. नेक्स्ट आपके पास क्या है, फॉर मॉडर्न कंसेप्ट है टीचिंग के. फॉर मॉडर्न कंसेप्ट आपके पास क्या है, क्वेश्चनिंग है, डिस्कशन है, इन्वेस्टिगेशन है एंड एक्सप्रेशन है. क्वेश्चनिंग क्या है कि देखो, अगर आप किसी स्टूडेंट को समझा रहे हो तो वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है या नहीं कर रहा, वो किस टाइप का आपसे क्वेश्चन कर रहा है, या आप समझाते समझाते आप उनसे क्वेश्चन करो कि आपको वो समझ आ रही है जो चीज आप पढ़ा रहे हो उसके बारे में. आप पूछो उन्हें कि क्या है क्या नहीं है. आप कुछ कोई टॉपिक बता रहे हो तो आप उनसे पूछो कि इसके बारे में मैंने भी बताया तो ये बताओ कि ये क्या चीज है. तो ये होती है क्वेश्चनिंग स्टूडेंट्स और टीचर की. डिस्कशन वो जो आप डाउट्स क्लियर करते हो, यानी कि क्या होता है जिसमें अगर आप जो आपने पढ़ाया उससे रिलेटेड, या आप उनको एक कंसेप्ट दे दो उससे ही रिलेटेड कि ये मैंने आपको पढ़ाया इससे रिलेटेड कंसेप्ट है, उसके आप डाउट लेके आओ मेरे पास, वो डाउट्स क्लियर करना, उसके बारे में डिस्कशन करना क्लास में. इन्वेस्टिगेशन आपको इन्वेस्टिगेट करना. इन्वेस्टिगेशन में भी इंडिविजुअल और ग्रुप, यानी कि अलग अलग कर सकते हो आप, ग्रुप में भी कर सकते हो. इंक्लूड्स द प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय द टीचर, यानी कि आप प्रेजेंटेशन के थ्रू भी कि आप उनको बोल दो कि आप प्रेजेंटेशन लेके आओ, या आप रिटन में लेके आओ, स्पोकन में, विजुअल यानी कि दिखा के कुछ भी, आप वो इन्वेस्टिगेशन करना. एक्सप्रेशन ये क्या होता है, लास्ट स्टेप होता है टीचिंग का. इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकल एक्टिविटी. ये क्या होता है कि प्रैक्टिकल एक्टिविटी के फॉर्म में होता है, लाइक पैसिव एक्टिव एंड आर्टिस्टिक एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी. ये इसमें आपके पास क्या होते हैं, प्रेजेंटेशन टाइप आते हैं कि आप की स्टूडेंट्स को आप बोलो कि आप क्या लिखे आओ, एक प्रेजेंटेशन लिखे आओ, या आप असाइनमेंट्स दो, इस तरीके की आपके पास. लर्नर कैरेक्टरिस्टिक में आपके पास क्या है कि हैबिट, रीडनेस की हैबिट, यानी कि लर्नर शुड हैव हैबिट ऑफ रीडनेस, यानी कि जो आप सीखने वाला है उसको हैबिट होनी चाहिए पढ़ने की. दिस हैबिट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ मोटिवेशन. इस हैबिट को आप लॉ ऑफ मोटिवेशन भी बोल सकते हो. वर्ड कॉल्स इट लॉ ऑफ मेंटल सेट. वर्ड इसको क्या बोलता है, लॉ ऑफ मेंटल सेट भी बोलता है. द टीचर शुड अराउज द अटेंशन एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट बाय आस्किंग स्टेबल क्वेश्चन, यानी कि टीचर जो स्टूडेंट उनसे स्टेबल क्वेश्चन पूछते हैं, टीचर उनका प्रॉपर आंसर देने चाहिए टीचर को. उनके क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, यानी कि इच्छा होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए. हैबिट ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि आपके पास क्या होता है कि इसमें आपके पास ये होता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. इन्होंने दिया है कि आपके पास क्या होनी चाहिए, एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज आपके पास गिवन होती है. एक मान लो आपके पास एक मैथ्स का चैप्टर है, उसमें आपके पास प्रॉपर आपके पास एक्सरसाइज गिवन है. तो अगर आप वो डेली आपका जो वर्क दे रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि अगर आप उसमें प्रैक्टिस करोगे, इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करोगे तभी आपको वो एक्सरसाइज आएगी. टीचर क्या है, आपको एग्जाम्पल्स करवा देगा, या दो बार फिर से वो सम करवा देगा, तीन बार करवा देगा, लेकिन क्या है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको खुद से नहीं आएगा. तो स्टूडेंट को वो हैबिट होनी चाहिए, हैबिट ऑफ इफेक्ट, यानी कि ग्रैप करने की आपके पास जो क्या होता है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्लेजर. इसको लॉ ऑफ प्लेजर भी बोलते हैं, पेन बोलते हैं, लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन. कितनी सेटिस्फेक्शन आपके स्टूडेंट को आपसे हो रही है वो होता है इसमें. एटीट्यूड एंड हैबिट, लर्नर मस्ट हैव गुड एटीट्यूड. लर्नर का हमेशा क्या होना चाहिए, सीखने वाले का हमेशा गुड एटीट्यूड, गुड अच्छी आते होनी चाहिए. दिस कैन बी फॉर्मड इन चिल्ड्रन बाय द एफर्ट ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट्स. ये कैसे बन सकती है, चिल्ड्रन पे अगर टीचर और पेरेंट्स दोनों एफर्ट लगाएं तब. एबसेंस ऑफ एंगर एंड जेलसी अमंग लर्नर, यानी कि अगर आपके पास एक स्टूडेंट में अगर जेलसी होगी, एंगर गुस्सा होगा तो वो कुछ नहीं सीख पाएगा. अगर उसके पास ना ही गुस्सा है ना ही जेलसी तो वो अच्छे से सीख पाएगा. एक दूसरे से स्टूडेंट से जेलसी होना कि ये स्टूडेंट से जेलसी, मेरे को इससे ज्यादा नंबर लेने, मैं इससे ज्यादा अच्छा पढ़ सकता हूँ. तो आप ट्राई करो कि आप कर सकते हो और उससे अच्छे मार्क्स ले सकते हो. जेलसी अगर करोगे, एंगर अगर आप गुस्सा करोगे तो उसके आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे. तो वो क्या कर देगा, वीक कर देगा आपकी लर्निंग एबिलिटी को, जो आपकी याद करने की क्षमता उसको वीक कर देता है. क्योंकि आपके दिमाग में जेलसी और गुस्सा चल रहा है तो जो कंसेप्ट है वो कैसे आएगा, स्लो बिगनिंग एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट. यानी कि स्टार्टिंग जो आपकी स्लो हो और ग्रेजुअल डेवलपमेंट, यानी कि धीरे धीरे डेवलपमेंट, दे शुड बिगन स्लोली, यानी कि धीरे से स्टार्ट करना. एंड बट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट मस्ट बी कंटिन्यूस एंड ग्रेजुअल. जो डेवलपमेंट है, जो प्रोसेस है डेवलपमेंट की, वो क्या है, लगातार चलती रहे आपके पास. फैक्टर्स क्या आपके पास अफेक्टिंग टीचिंग के, फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट टीचिंग. ऑल द थ्री वेरिएबल, आपके पास तीनों वेरिएबल्स होने चाहिए, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंटरव्यूइंग वेरिएबल. ये आपको मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, पीछे आपके पास ये कंसेप्ट आ चुका है. टीचर स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप, कि वो रिलेशनशिप कैसे है टीचर और स्टूडेंट का. मेथड क्या है टीचिंग का, इजी है, टफ है, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं. टीचर एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशनशिप, मतलब क्या होता है कि जो आपके पास क्या होता है कि अगर बाय चांस एक टीचर एक स्कूल में पढ़ा रहा है और वो पढ़ाना चाहता है एक मेथड के थ्रू, यानी कि प्रैक्टिकल बताना चाहता है, और एडमिनिस्ट्रेशन उसको अलाउ नहीं कर रहे. टीचर भी सीखना चाहता है प्रैक्टिकली बट एडमिनिस्ट्रेशन उसको लॉ नहीं कर रहे, तो वो आपके पास क्या होता है, टीचर एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशनशिप होता है. सोशल इन्वायरमेंट, यानी कि एक सोशल सामाजिक इन्वायरमेंट. नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये डायग्राम आपको दे रखा है कि फैक्टर इफेक्टिंग क्या है टीचिंग के. टेक्नोलॉजी, सॉरी, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, लर्निंग कम्युनिकेशन, टीचर्स,
एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्नोलॉजी इस तरह के कुछ आपको दे रखे हैं ये। सो टेक्नोलॉजी में आपके पास क्या आता है, सबसे पहले क्लियर रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टीमीडिया एंड कैपेबिलिटी। स्टूडेंट में आपके पास क्या आता है, रोल लर्निंग स्टाइल और करेक्टरिस्टिक और स्किल्स। टीचर्स में आपके पास टीचर का जो स्टाइल होता है पढ़ाने का, स्ट्रेटजी होती है, रोल्स होते हैं, करेक्टरिस्टिक होते हैं, मोटिवेशन होता है और किस तरह से वो पढ़ाता है, कोर्स डिजाइन यानी कि किस तरह से वो डिजाइन करता है अपने कोर्स को। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी और प्रोसीजर्स होते हैं उसमें क्या होता है, फैकल्टी वर्कलोड होता है, स्ट्रेटजी प्लान होता है एंड आपके पास शेड्यूल होता है, टीचर सिलेक्शन ट्रेनिंग होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये आपके पास एक फैक्टर अफेक्टिंग का डायग्राम। नेक्स्ट आपके पास क्या है, मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग आप क्या करोगे, ये मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स सो प्लीज राइट टू मी इन कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा एंड जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।